मगर जिस हिसाब से और जिस गति से वो अपने आप को अवार्ड दे रहे हैं, कभी खेल रतन का, कभी जल युद्ध नायक का और कभी किसान केसरी का, मुझे तो इस बात की शंका है कि कल वो अपने आप को भारत रत्न का अवार्ड ना दे दें। मगर अभय सिंह जी तो जीते जी अपने आप को बड़ी बड़ी उपाधियां दे रहे हैं। उनके पेट में इस बात का दर्द है। इस्तीफा तो प्रोपेगेंडा, इस इस्तीफे से क्या हुआ? इस इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ा, लोग इन्हें ये एक्सपोज हो चुके। नहीं, वो उनका अपना कार्यक्रम है और राजनीतिक कार्यक्रम तो कोई भी करे, उसको कोई रोक नहीं है। मगर जिस हिसाब से और जिस गति से वो अपने आप को अवार्ड दे रहे हैं, कभी खेल रतन का, कभी जल युद्ध नायक का और कभी किसान केसरी का, मुझे तो इस बात की शंका है कि कल वो अपने आप को भारत रत्न का अवार्ड ना दे दें। हैरानी होती है कि युग पुरुष चौधरी देवीलाल जी के आगे जीते जी चौधरी देवीलाल जी को लोग याद किया करते, उनके कामों को याद किया करते और उनके धरती से चले जाने के बाद लोगों ने उन्हें उपाधियाँ दी। मगर अभय सिंह जी तो जीते जी अपने आप को बड़ी बड़ी उपाधियाँ दे रहे हैं, तो ये बड़ी हैरानी और हास्यास्पद सी बात है। बाकी ये उनका अपना राइट, उनके पेट में इस बात का दर्द है और उन्हें इस बात की बड़ी चिंता है कि दुष्यंत उनकी राजनीति को जो है ना, उनकी राजनीति शून्य पर चली गई और दुष्यंत अपने संघर्ष के बलबूते आज बहुत आगे पहुँच गए और दुष्यंत को किस तरह पीछे खींचा जाए इसकी वो षड्यंत्र पहले भी रचते रहे जब इनेलो में हम हुआ करते थे और आज भी वो इसके लिए हर तरह का षड्यंत्र रचने को तैयार हैं। मगर ऊपर परमात्मा देख रहा है और नीचे जनता देख रही है और परमात्मा का जो संदेश होता है वो जनता का नगाड़ा होता है। जनता का नगाड़ा दुष्यंत के थपथपी के तौर पर, आशीर्वाद के तौर पर दुष्यंत के साथ है। इस्तीफे को किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये इस्तीफा तो प्रोपेगेंडा, इस इस्तीफे से क्या हुआ? इस इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई किसान के जो मुद्दे थे वो पूरे होते, उनकी बातें पूरी होती। ये तो किसानों की भीड़ पर, किसानों के कंधों पर रखकर अपनी बंदूक को चलाना चाहते हैं, लोग इन्हें ये एक्सपोज हो चुके।